शिव चौहान शिव चौहान जिंदाबाद मुझे छोड़ दें छोटी जी जिंदाबाद यार पीछे आ जाओ बड़ा शॉट बन जाएगा थोड़ा ऊंची। मेरा बेटा हक और सच की लड़ाई लड़ रहा है, अपने मुल्क के लिए लड़ रहा है। उसको अगर ये सजाएं और ये तकलीफें दे रहे हैं तो उसमें मेरा बहादुर बेटा, मेरा बेटा इंशाल्लाह कामयाब होगा, इंशाल्लाह कामयाब होगा। इस हुकूमत ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो हक और सच का सच्चा लीडर, अगर उसने अपने मुल्क के लिए अपने पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करना तो उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं शिकस्त दे सकती। वो इन लोगों को शिकस्त देगा और इन लोगों को खरीदों को बेनकाब करेगा। मेरा बेटा बहादुर, मेरा बेटा इंशाल्लाह कामयाब होगा। अच्छा जी, क्या कहेंगे आप? कंप्रोमाइज हो गया, समझौता हो गया। जी जी, और जमानत ही आता तो जी उन्होंने किया कि जनाब जनाब ठीक है, जमानत के हद तक कोई एतराज नहीं है। जी जी, हमें जमानत की हद तक एतराज नहीं, हमने अल्लाह की रजा के लिए माफ किया। हमने एक महीना है, इस्लामी महीना है, मुहर्रम के देखकर नौवीं आज आगे दसवीं है, तो हमने अल्लाह की रजा के लिए माफ किया। बेल की हद तक अपना जो कम्प्रोमाइज कर रही है माफ कर। दूसरा, इसमें शब्बीर साहब का ये भी मौकफ है कि ये सियासत है, हम इस जो हलका है 167 इसको तनाज़ों और जो दुश्मनियां हैं इख्तलाफात हैं उनसे पाक करना चाहते हैं, इस हलके के अंदर मोहब्बत और अमन जो है उसका गहवारा बनाना चाहते हैं। इसलिए खुद आके जो नज़ीर चौहान साहब इनके अपोनेंट कैंडिडेट थे, वो अल्लाह के नाम पे जो है ना इस मुकद्दस महीने में अल्लाह के नाम पे उनकी जो है ना। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइए कि क्या आप समझते हैं कि जो इस वक्त सियासी तौर पे एक दर्जा रहा है तो आसमान को छू रहा है, आप जैसे रवैये तमाम पीटीआई और तमाम नून लीग के जो लोग हैं वो उनको अपनाना चाहिए? मैं तो चाहता हूँ ये पूरे पाकिस्तान की जो सियासत है पूरा अमन होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत की होनी चाहिए। जो इलेक्शन जीते दूसरे जो हारे उसको जाके मुबारकबाद पेश करे, ये रवायत कायम होनी चाहिए। ये लड़ाई झगड़े ये जो दुश्मनी है ये सियासत नहीं होनी चाहिए। ये गंदी सियासत शुरू हो गई है, ये सियासत नहीं है। पाक और साफ सियासत करनी चाहिए, अवाम की भलाई की सियासत करनी चाहिए, मुल्क पाकिस्तान की सियासत करनी चाहिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए। आपको भी कोई कॉम्प्रोमाइज पे एतराज नहीं? मेरे बड़ों ने कहा जी ना मैं हुकुम के पाबंद हूँ और इस बेल तक मुझे कोई एतराज नहीं है। चौहान साहब अंकल हैं जी और आगे भी हम इज़्ज़त करते थे, आगे भी करेंगे। और इमरान खान के कहने पे ये सारा कुछ हुआ है, इमरान खान से उनके विजन के मुताबिक उनके इलम में मकबूल साहब मिनिस्टर ने आज़ाद। अच्छा अच्छा, सूटी मकबूल मिनिस्टर एम एल ए, हमने अपने कायद के नोटिस में बताकर पूछ के अपने कायद से कि हम उनको माफ़ करने लगे, उन्होंने इजाज़त दी है कि आप अपने बड़े दिल का मुजाहरा करें और उन्हें माफ़ करें। हमारे कायद ने हमें ये बेटी बना रही थी ना सारी कुटी पाकिस्तान बुकला बरादरी सलामत रखे जीव चौहान जिंदाबाद।
मेरा कैमरामैन किधर धीर किधर गया यार? आपको नहीं पता किसने? नहीं नहीं क्या कहेंगे सुला? आपका राजीनामा हुआ है, उस पर कुछ कहना फरमा चाहेंगे? शुक्रिया।